अब तक तो राम पे मिल गए थे कि राम मंदिर बनाएंगे, अब मथुरा में कृष्ण का मंदिर बनाएंगे, अब इस पर वोट लेना चाहते हैं। ये हिंदुत्व के दुश्मन है, हिंदुत्व का हमें मंदिर फंदिर की जरूरत ना है, हमें जो विकास थे किसान थे विकास थे जरूरत, हमें मंदिर मस्जिद की जरूरत क्या है? हमारे यहाँ के लोग मिलके मंदिर मस्जिद बनाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कुछ भी विकास के लिए नहीं है, केवल लोगों का ध्यान आकर्षित करके ये चुनाव के हथकंडे बना हद कर रहे हैं। किसी एक झूठ बोलेंगे भाजपा सरकार नौकरी दो चुना जाए, ये वोटों के लिए है। जो ये जो षड्यंत्र योगी मोगी जब कहा राम राज भगो कहो तुम कहो, जब ते योगी जी आए एक भर्ती कहूँ भाई, ये सरकार जो है हिंदुत्व के नाम पे ये गुमराह कर रही है, और हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर के और हिंदू शब्द का नाम लेकर के हमारी जनता को यानी बांटना चाहती है। सब हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं मथुरा और वृंदावन में, उन्हीं की सेवा हो जाए वही बहुत है, ना हमें कोई मंदिर से मतलब है ना किसी से, हम अपने पहले पेट के लिए करते हैं, हमारी बच्चा युवा सब बेरोजगार टूट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, 90 के दशक में बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग ये नारा बुलंद करते थे, अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर, और अचानक कल से बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की तरफ से अचानक कल ट्वीट के जरिए मथुरा के मुद्दे को जिंदा करने की कोशिश की गई, और ये ट्विटर पर उन्होंने लिखा उप मुख्यमंत्री ने कि मथुरा में मंदिर निर्माण की तैयारी है, अयोध्या और काशी में तो मंदिर बन रहा है। और उसके बाद कल हजारों लोगों ने ट्वीट किया और लगातार एक माहौल बनाने की कोशिश की कि जैसे नारा लगता था राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, वैसे ही नारा कि हम कृष्ण भगवान के लिए मंदिर बनाएंगे, राम लला तंबू से मंदिर में शिफ्ट होने वाले हैं, और कृष्ण के लिए भी मथुरा में हम विशाल मंदिर बनाएंगे। और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, सांसदों ने, विधायकों ने माहौल बनाने की कोशिश की, लगा ये कि क्या चुनाव में जब 3 महीने बाकी हैं तब अचानक बीजेपी को मथुरा का मुद्दा या मथुरा के मुद्दे को सुलगाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज मैं आया हूँ मथुरा में। मथुरा जिले का ये माठ विधानसभा क्षेत्र है, गांव का क्या नाम है? पारसौली गांव है, और एक्सप्रेसवे से आया आसपास के गांव के बारे में तलाशते हुए कि यहां के लोगों से बात करने के लिए यहां के लोग क्या सोचते हैं अगर सूबे का उप मुख्यमंत्री मथुरा में मंदिर बनाने के मुद्दे को सुलगाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां बहुत सारे लोग, गाँव के लोग आपको दिख रहे हैं। हालांकि जो माठ विधानसभा क्षेत्र है यहाँ BSP का कब्जा है, बीते चुनाव में BSP के विधायक जीते, और उसके पहले 2012 में जयंत चौधरी जीते थे, कुछ महीने बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो पहले से लोकसभा के सदस्य थे मथुरा से 2009 में, और उसके बाद भी BSP का यहां से कब्जा हुआ सीट पर। लेकिन सवाल यह है कि मथुरा जिले के अलग अलग इलाकों के लोग क्या सोचते हैं बीजेपी के इस नए एजेंडे, नए नैरेटिव पर, जब बात विकास की है, जब सबका साथ सबका विकास की है, जब बात रोजगार की हो, जब बात किसानों के सवाल पर हो, जब बात गन्ना किसानों की मुश्किलों की हो, जब बात महंगाई की हो, तब फिर अचानक मथुरा क्यों जिंदा हो रहा है? और मथुरा में मंदिर बनाने की बात, भगवान कृष्ण के लिए मंदिर बनाने की बात अचानक बीजेपी के नेता क्यों करने लगे? इन्हीं से जरा सुनते हैं ये क्या कहते हैं। तो ये आपको पता चला, आपको पता है कि ये कल से है, पता है क्या पता है? रात टीवी पे देखा था, यही कह रहे थे कि अयोध्या की झांकी है और मथुरा बनारस बाकी है। हाँ, लेकिन ये बोल रहे थे। तो आप लोगों को लगता है, हमें हमें क्या मुद्दा है पहले ये बताओ। देखिए साहब, हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं मथुरा और वृंदावन में, उन्हीं की सेवा हो जाए वही बहुत है, ना हमें कोई मंदिर से मतलब है ना किसी से, हम अपने पहले पेट के लिए करते हैं, हमारी बच्चा युवा सब बेरोजगार ढूंढ रहे हैं, एक नौकरी एक दे नहीं रहे हैं, गांव का विकास नहीं हो रहा है किसी भी तरह से, और हर तरह से झूठ बोलते ढूंढ रहे हैं। इससे हम चाहते हैं कि ये यहाँ आग सुलगाने के लिए आए हैं, हमें नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद कुछ भी, वो अपना काम बढ़िया चल रहा है, सदियों से चल रहा है भाईचारे में। आप क्या करो, आपका हमें मंदिर फंदिर की जरूरत ना है, हमें जो विकास थे किसान के विकास थे जरूरत है, हमें तो किसान चाहिए, किसान मजदूर को चाहिए सब कछु। हाँ। नौकरी ना, बालक डोल रहे भूखे,
और झूठ बोल रहे हैं कि हमें इच्छे का बालक लगाएंगे, इच्छे का ये कु बालक लगो ना, कहूँ भर्ती भई ना कोई बालक लगो ना, कहाँ कर रहे हैं कि जो मुद्दा उठा रहे हैं गायन के परेशान रात को जाए बालक दे ऐसे बालक बूढ़े बूढ़े। ये बताओ ताऊ क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर महाशय के हैं। जोगिंदर? जोगिंदर महाशय। महाशय हाँ। तो आप ये बताओ ये जो कह रहे, चूंकि आप मथुरा जिले के वासिंदे हो और अगर यूपी के उप मुख्यमंत्री कहते हैं, बाकी सांसद नेता मंत्री भी कहने लगते हैं, कल को चुनाव में बोलने लगेंगे 3 महीने बाद कि मथुरा में हम विशाल मंदिर बनाएंगे वैसे ही जैसे अयोध्या में बन रहा है। ये मंदिर कहाँ चल रही है मंदिर न की? पत्रकार साहब एक मिनट एक एक करके। हाँ ना मंदिर नहीं कहाँ चल रही है, पहले तो इंतजाम करो किसान न को अस्पताल बनवाए और अस्पताल बनवा मत के हम दोनों भागे वहाँ दुनिया भर में गौशाला बनवाओ। हद कर रहे नेदारो कि चेक झूठ बोलेंगे भाजपा सरकार नौकरी दो चुना जा रही है भाई कोई विकास भैया कोई विकास होते भाई बताइयो विकास नहीं हुआ ना करे बहुत विकास हो चुना ईट है वो दूर है गड्ढे खुद रहे या गड्ढे गड्ढे खुद रहे ये विकास है अरे भैया चोखो भाई अरे चोखो भैया परमात्मा लेना रहो हमें तो इन विकास ने देख देख तो योगी जी के राज में राम राज आ गया योगी मोगी ने में कहा राम राज भगो काय कहगो तुम कहगो राम राज भाई साहब जो बताओ तो तुम कहगो भैया हम तो दिल्ली के पास रहते हमें नहीं पता यूं अरे तो हम तो यहां पारसोली में रह रहे हैं। हां तो यूपी में रह रहे हैं। हां यूपी में रह रहे हैं। राम राज हुआ कि नहीं यहां? ना कछु ना है कोई राम राज नहीं हां सत्यानाश राज है। क्यों ताऊ इतना गुस्से में क्यों आप? न्यू गुस्सा में हूं कि बालक डोले भूखे प्यासे न्यू गुस्सा में हूं न्यू गुस्सा में हूं। अब ये आपने सुना एक बुजुर्ग का गुस्सा, बाकी लोगों से भी बात करते हैं। आप बताओ आपका क्या शुभ नाम है, थोड़ा आगे आ जाओ। मेरा नाम हरप्रसाद परमा। तो अब ये मथुरा में मंदिर बनाने की बात बीजेपी कर रही है कि काशी में और जैसे अयोध्या में विशाल मंदिर बन रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर काशी में बन रहा है, तो ऐसे ही अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो गया। अब मथुरा बाकी है तो मथुरा के लिए बीजेपी नेता सब कहने लगे, कल केशव मौर्य ने कहा है मथुरा में कल्याण मंदिर बनने मथुरा वृंदावन और घर घर बनने मंदिर तो घर घर जिले में मंदिर मंदिर तो अपने जिले में अच्छे काम करो बढ़िया करे खाओ तो हम तो विकास चाहेंगे विकास होना चाहिए हमारे गांव में तो तुम रास्ता देख ली कोई विकास ना है कैसे कसुना करवा गाँव ऐसा है पत्रकार साहब हमारे यहाँ केवल विकास हमें चाहिए और ये केवल चुनाव के समय पे विकास की बात करते हैं पूरी 5 वर्षों में विकास इन्हें याद नहीं आता। आज के समय पे हमारा क्या विकास है आप देख रहे हैं गांव में हमारे जो मूल मुद्दे ये हमें विकास के नाम पे जो हमसे झूठ बोलते हैं उस मुद्दे को ये फिर भूल जाते हैं 5 साल तक और अब हमारा ध्यान भटका के मंदिर मस्जिद पर लाना चाहते हैं जबकि हमारे क्षेत्र में इस वजह से आज तक इतिहास गवाह है कभी कोई सांप्रदायिक ताकत हमारे बीच में नहीं आई कभी भी सांप्रदायिकता ने हमारे यहाँ हावी नहीं हुई कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। हमें मंदिर मस्जिद की ज़रूरत क्या है? हमारे यहाँ के लोग मिलके मंदिर मस्जिद बनाना चाहते हैं लेकिन इनके पास कुछ भी विकास के लिए नहीं है केवल लोगों का ध्यान आकर्षित करके ये चुनाव के हथकंडे बना चाहते हैं। अरे हमारा पेट खाली है आप हमसे वादा कर रहे हो कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे आप हमें भीख में 2000 रुपये दे रहे हैं क्यों दे रहे हो भाई 2000 रुपये हमें हमारी हमारा रोजगार दो हमारी कीमत दो हमें जो हम पैदा करते हैं उसकी हमें MSP मिलनी चाहिए MSP पर हमारा माल खरीदा जाएगा हमें किसी के 2000 की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन आप हमें मुद्दे से भटकाने के लिए राम की बात करते हैं मस्जिद की बात करते हैं किसान आदमी सबसे ज़्यादा राम के चरित्र पर चलने वाले लोग हमें ये किसान लोग हैं ये जितने मंदिर मस्जिद की बात करते हैं ये जानते हैं भगवान राम क्या होते हैं इनके ढंग भगवान है इन्हें तो भगवान की शर्म भी नहीं आती कि भगवान का चरित्र क्या था। तो ये गुस्सा है उसी मथुरा के कौन सा गांव ताऊ? पारसोली 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 सबसे जोश में ताऊ है बहुत जोश है आपको एक सेकंड एक सेकंड। मेरी जिंदगी गई मेरी 87 साल की उम्र है और गिनने झूठ बोल बोल के सत्यानाश कर दिया 87 साल के ताऊ है
और बहुत गुस्से में रहते इन्हें इन्हें झूठ बोल बोल के सत्यानाशी ने भाजपा बारे आज पा बारे साज पा बारे यानी काका झूठ बोले उड़ा बालक नो कई दे रहे हैं मतलब हम फलाई चीज दे रहे हैं बालक नको डोकर नहीं पेंसिल बंद भा रहे अब तो पेंसिल हटे अरे ताऊ लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि गन्ना के किसानों को 1.5 लाख करोड़ दे दिया रोजगार यूपी में 3.25 करोड़ लोगों को स्वरोजगार 5 लाख नौकरी शौचालय दे दिया वो बकाया बचा उसका क्या हुआ बकाया का बताओ ना देने वाले कहाँ से दे दिया मंदिर बाकी तो देखो मंदिर की जगह पे एम्स बनाओ एम्स बना सुनो 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 हाँ भैया योगी ने कछु दे दियो बालक तुम्हें कछु बताइयो भैया हैं खाली झूठ बोले हो जो कुछ बोले हो का कि हम गे देंगे गे करेंगे मतलब बहका के ले लिए ने वोट अब आके बाद अब के मंदिर मस्जिद का करोगे मंदिर मस्जिद को सारे क्या बताए राम पे मिल गए अब कृष्ण पे मिल जाएंगे अभी वो अब तक तो राम पे मिल गए थे कि राम में मंदिर बनाएंगे अब मथुरा में कृष्ण का मंदिर बनाएंगे अब इस पर वोट लेना चाहते हैं ये हिंदुत्व के दुश्मन है हिंदुत्व के पुजारी नहीं है ये जनता को लड़ाना चाहते हैं अपना काम बनाना चाहते हैं हमारी जन्मभूमि और मस्जिद मथुरा में जो हमारे जन्मभूमि कृष्ण जन्म स्थान का ऐसा मंदिर है जो दुनिया दर्शन करने आती है वो भी ऐसा फर्स्ट क्लास बना हुआ है बनाने की जरूरत क्या है तो क्यों लगता है बीजेपी अचानक 3 महीने पहले बीजेपी के उप मुख्यमंत्री और बाकी सांसद वो उस मुद्दे पर वोटों की बात करेंगे जनता का भ्रम फैलाएंगे वोटों के लिए वोटों के लिए आगे आ जाओ बुजुर्ग आदमी आगे आ जाओ ये वोटों के लिए है जो ये जो षड्यंत्र है ये वोटों के लिए भाई जो इन्होंने विकास के मुद्दे विकास के मुद्दे सब खटिया में डाल दिए ना कोई विकास हुआ है और ना ये करेंगे ये तो ऐसा हमें कोई ना कोई झगड़ो डाली के या मैं इनको दिमाग वहाँ में हट जाए ये अब नहीं चलने का नहीं विकास तो करें इतना हो गया कि एक्सप्रेसवे पूर्वांचल बन गया उस पे जहाज उतर गया वहाँ में विकास हो रहा है कौन सड़कें चमक रही है अरे वो तो अखिलेश ने बनवाया किसान जा रहा है गे कुवा जेवर एयरपोर्ट ही दुहाई दे रहे हैं कौन सा किसान टिकट लेके जाएगा जहाज बैठ गए अरे इनने बीजेपी बारे ने किसान दियो तो कहा दियो है 1700 को डीएपी को कट्टा 97-98 रुपया लीटर डीजल जब 13 में नारो दियो कि अब की बार बीजेपी सरकार हम डीजल 35 रुपये लीटर करेंगे 35 कर दिया इन ये तो निखाल झूठ बोले इनते कछु पेश ना खानी हमारे बालक बेरोजगार डोल रहे हैं कल परसों पेपर लीक भयो वहाँ बालक ने किराया ना लगे बालक सब अपने घर आए गए वह तो पहले पेपर लीक आएगा बालक अपने घर आए गए ये बस माफ करी काय करी इन के बालक उपद्रव करेंगे ये बहुत नाटक हो रहे हैं पहले हमने बीजेपी वोट दी अब बीजेपी कोई नेता आवे तो सही हमारे गाँव में वह बताएंगे करी आते तो के ऐसे तेन वायदा करे इनने सबसे बड़ा नुकसान जाटनों को करो बीजेपी ने आमत खेम जाट आरक्षण रद्द करो 20 लाख बालक हमारे आज युवा 2 नंबर और 4 नंबर और 6 नंबर ते भटके डोल रहे 20 लाख कि बीजेपी हमें दहका देगी अब के हम नाज फ्री दे रहे हैं अरे हमें भिकारी काय बना रहे हो MSP गारंटी दे दे हमें किसान वहाँ पर MSP गारंटी दे दे तू हमें नहीं कहो तो नाजे फ्री मत दे नहीं कहो 2000 रुपये मत दे हमें जरूरत कहा है हमारे युवान ने नौकरी दे इन्हें वायदा करे हो कि हमें 20 लाख नौकरी देंगे 32 लाख तो सबरी बालक है उत्तर प्रदेश में रह कौन जाएगा इन्हें एक बालक नौकरी दी हो तो जब ते योगी जी आए एक भर्ती कहूँ भाई हो फाइनल भर्ती तो योगी जी कह रहे एक मिनट थोड़ा पीछे रुकिएगा भर्ती तो योगी जी कह रहे हैं कि 4.25-5 लाख सरकारी नौकरी और स्वरोजगार 3 करोड़ से ज़्यादा तो ये योगी जी का दावा है आपके गांव में ये बताए जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं 25-30 है भर्ती हुई कि नहीं या स्वरोजगार के नहीं 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 हुई नहीं हुई कोई भर्ती नहीं हुई है चलिए एक तो बेरोजगारी का सवाल है थोड़ा पीछे हटिएगा दूसरा मैं जानना चाह रहा हूँ एक मिनट चूंकि इतने लोग यहाँ हैं मेरे आसपास आप देख रहे हैं 25-30 लोग जमा हो गए और जैसे बातचीत शुरू की 10-12 लोग थे धीरे धीरे चूंकि गांव का ये चौराहा है धीरे धीरे और आसपास के लोग आ गए और एक गांव का नाम क्या है आप वीडियो बीच में मत बनाइए पारसोली पारसोली गाँव है माठ विधानसभा क्षेत्र है
अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, जो लोग यहां हैं इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मथुरा में अयोध्या की तरह मंदिर बने, क्योंकि केशव मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कल यही नारा बुलंद किया है कि अब कोई मंदिर नहीं पता चल जाएगा कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे रोजगार चाहिए, ओनली रोजगार चाहिए, मंदिर का लेना रोजगार चाहिए बच्चों, मंदिर से लेना देना, देखो मंदिर से हमें कोई लेना देना है, बालखंड रोजगार चाहिए, जो कुछ किसान ने व्यवस्था को करो, कोई बड़ा अस्पताल खुलवाओ, कोई क्षेत्र में पशु न को इंसानों को बालक बीमार है जाए मथुरा बक्की जाए, यहाँ से 100 रुपया 70 रुपया लगे भारी में, और गाड़ी ले जाए तो 2500-3000 हम गाड़ी पहुँचे तो ही लगा बाले ना, एक एक करके एक एक कर। अगर अस्पताल है यहाँ हो तो व्यवस्था बालखंड यही रह जाए, मथुरा का जानी हम बता हमारे से मथुरा जी हम कोई भी अस्पताल बता, आपके इस इलाके में अस्पताल अच्छा नहीं है, कोई नहीं कोई नहीं, 65 किलोमीटर दूर है यहाँ से, हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं है, नहीं ना, यहाँ से नजदीकी अस्पताल कहाँ है, मथुरा लगभग 60-65 किलो, कितना किलोमीटर, 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर, तो जहाँ हमें माठ विधानसभा क्षेत्र में यहाँ से अस्पताल 70 किलोमीटर है, लेकिन मथुरा में मंदिर की तैयारी का नारा बुलंद किया गया, मंदिर चाहिए या क्या चाहिए, आप भी इधर आ जाओ, क्या नाम है आपका, मनीराम है साहब, हमें चाहिए एक तो बालकनों को रोजगार चाहिए, जो मोदी जी ने पहली बार आए थे तो इन्होंने कही मैं 1 लाख युवाओं को नौकरी दिलाऊंगा और घर घर से मतलब एक आदमी, और फिर गैस सिलेंडर दियो, यानी क्या दियो हम लोगों को गुमराह और हमको गाढ़ने के लिए, आज 1080 को भरे जा रहा है सिलेंडर, बिजली की कही कि बिजली पहले भैया ने पे काऊ पर कनेक्शन है काऊ पर नहीं थे, इन्होंने क्या किया कि गरीब भैया कोई नहीं कहा था जरा ले तो फ्री की इन्होंने कनेक्शन करा दिए, तो घरवारी लड़ी आदमी तो समझ रहे हो कना का फ्री हो रहा है, फ्री हो रहा है तो फ्री में करके अब लाइट आ रही है, किसी का तो 1 बल्ब जल रहा हुआ 1500-1600 और 1045 फिर वहाँ भगे डोलो। तीसरी बात यह है कि रोडवेज और ट्रेन, हम वहाँ 500 रुपया में पहुँच जाते थे, आज हम वहाँ 1500 में पहुँच रहे हैं, फिर भी 4 दिन पहले वहाँ ठिया पे टिकट बुकिंग कराओ, किसी पे डटने का फुर्सत है किसी पे नहीं है। तीसरी बात यह है कि चुनाव मुद्दा है और दुनिया जान गई है गुमराह कोई है ना, गुमराह कोई नहीं है, गुमराह होगा तो कोई उन्हीं का चमचा मंत्री होगा, तीसरी है सरकारी, हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, ये बताओ एक पहले एक और सुन लो, पहले इनकी बीजेपी सरकार बनाई तो अभिनंदन को झूठा बना दिया वहाँ, झूठा केस अपना उड़ान भर के अपना रद्दी वो करके के अभिनंदन पाकिस्तान ने ले लिया और मार दिया, फिर मारो नहीं जिंदा है जिंदा लूंगा, अब इनका जो राम मंदिर है वो भी मुद्दा था, कृष्ण जन्मभूमि जो हमारा कृष्ण है वृंदावन के, ये भी मुंदी का हिंदू मुसलमानों को, हमारे यहाँ ना कोई जाति है, सब भाई एक बिरादरी है, एक एक जो खाना खा रहा है मिलके रह रहे हैं, तो इनों के गुमराह है, हमें तो चाहिए हमारे बालकों को नौकरी चाहिए, महंगाई कम चाहिए, डीजल कहाँ पहुँच गो, डीजल 90 पे पहुँच गो, पेट्रोल 110 पे पहुँच गो, और गाय जो मान लो उसमें तो घर रखा में क्या गाय ने रखा में, गाय ने रखा में जाए तो भैंस खूट जाए कुमिल लग जाए, और यहाँ ने तो वहाँ गैया नुकसान कर जाए, इन्होंने देश का बर्बादी कही है, अपना घर बनाया है मोदी और इनका झूठा ऐलान है, कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए तो ये इनका गुस्सा सुना, और एक बार फिर से चूंकि नए दर्शक देख रहे होंगे जो नारा कल ट्विटर पर लिखा, नारा क्या जो भी मुद्दा उठाते हुए मथुरा का केशव मौर्य ने, अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, जय श्री राम। अब मथुरा की पूछ लेते हैं, तो आप बताओ, मंदिर की बात मैं इन लोगों से बात कर रहा था, लेकिन जैसे विकास की बात अगर हम गांव की बात करें तो गांव में देख रहे हैं कि यहाँ जो सड़क है वो सड़क टूटी है, यहाँ ये गलियों जिन गलियों से होके आया है उसका बुरा हाल हम देख रहे हैं, तो कोई काम नहीं हुआ ना, तो आपके लिए क्या मुद्दा है? देखिए साहब, मैं पहली बात तो ऐसी समाज से जाटव समाज से आता हूँ, मेरा नाम सोरन सिंह विमल है, एक तब तो सरकार दुहाई देती है
हमने चहुमुखी विकास किया है, पूरे देश में विकास किया है, यूपी नंबर वन पर है। लेकिन आप यूपी की हालत देखिए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है, रोजगार के लिए भटक रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और मजदूरों से कहती है हर खाते में आपके 15 लाख रुपए आएंगे, आज तक न 15 लाख रुपए आया, न नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है, न रोजगार मिल पा रहा किसी नौजवान को। दूसरी तरफ एक तरफ संविधान की दुहाई देते हैं कि हम संविधान के तहत कार्य कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आरक्षण सिर्फ दिखावा है, दिखावे के तौर पे काम कर रहे हैं, जनता परेशान है। आगामी चुनाव में मैं बता रहा हूँ कि ये सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है, बिल्कुल फेल हो चुकी है, पूरी जनता त्राय त्राय कर रही है। और आगामी चुनाव में सपा और लोकदल की सरकार आने वाली है, आज में अच्छा बहुमत दिखाई दे रहा है। हमारे पूरे मथुरा ज़िले का आज तक कोई विकास नहीं, यहाँ से 40 साल से बसपा का विधायक जो है का बरकर रहा है, वर्तमान विधायक 7 बार रह चुके हैं, 1 बार उनके पिताजी विधायक रहे, इन्होंने बीजेपी से मिलकर गठबंधन करके की भी सरकार बनाई, ये मंत्री से 1 बार शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की हालत आप देखेंगे, खासकर मथुरा की हालत देखेंगे, विधायक जी चुनाव के टाइम पर आते हैं, लंबे चौड़े वादे करते हैं और वादे करने के बाद में फिर 5 साल तक दिखाई नहीं देते। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, जनता परेशान है। तो आपने शुरू में नाम बताया, क्या बताया नाम? सोरेन सिंह बिमल। सोरेन सिंह बिमल जाटो समाज, जाटो समाज से। तो जाटो समाज के हो और ये जो माट विधानसभा है यहाँ के जो विधायक हैं बीएसपी के हैं, पहले भी कई बार जीते हैं। तो जाटो समाज तो मोटे तौर पर बहन मायावती जी के साथ होता है, आप सपा आरएलडी की बात क्यों कर रहे हो? बिल्कुल जी, रहता है और रहता आया था, लेकिन जब इस क्षेत्र से जब जाटो समाज उस बहुजन समाज पार्टी से विधायक निकल के जा रहा है, उसने आज तक किसी भी मजदूर की तरफ देखा नहीं, लौट के किसी नौजवान की तरफ देखा नहीं, किसान की तरफ देखा नहीं। किसानों की हालत बुरी चल रही है और खासकर जो मजदूर तबके का लोग है वो रोजगार के लिए इतना परेशान है, उसको मतलब रोजगार नहीं मिल पा रहा और नौजवान जो है नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है। गांव में देखिए आप, गली गली में आपको घुटन खींच भरी पड़ी है, चारों तरफ सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं, कुछ फ्री में जो कनेक्शन दिए थे वो कनेक्शन में भी उल्टा सीधा बिल आ रहा है, एक एक आदमी के पास में चाहे एक बल्ब जल रहा है 40-40 हज़ार 60-60 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है, मजदूर कहाँ से देगा, घर बेचेगा, बच्चे बेचेगा। समझ गया आपसे बात। मेरा सवाल लेकिन ये था कि जाटो समाज को माना जाता है कि मायावती के वोटर हैं, तो मायावती को छोड़कर आप एसपी और आरएलडी की बात क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब आप? हमें सिर्फ विकास चाहिए। आपने पहले वोट दिया है ना बीएसपी? हाँ, बीएसपी को हमने वोट दिया है, हम 40 साल से वोट देते चले आ रहे हैं बीएसपी को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हमने देखा कि ये लोग जो है कि सिर्फ वोटों के टाइम पे हमको याद करते हैं, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखते, कोई विकास की बात नहीं करते, किसी मजदूर का साथ नहीं देते, किसी नौजवान को रोजगार की बात नहीं करते, किसान भी परेशान है इस गांव के अंदर, और खासकर मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। हमें मंदिर मस्जिद की बात मायावती कहाँ कर रही हैं? तो उन मायावती नहीं करती है, लेकिन वर्तमान सरकार तो कर रही है। लेकिन आप मायावती के साथ क्यों छोड़ने की बात कर रहे हो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हम मायावती के साथ इसलिए छोड़ना चाहते हैं, मायावती जी जो है अपने मनमर्जी चाहे जिसको टिकट दे देती हैं, चाहे उनका कोई भी वो हिसाब हो, लेकिन वो जो है का ये नहीं देखती, जमीनी स्तर पर नहीं आती कभी, न कार्यकर्ता को देखती है किसी को कि भाई ये कार्यकर्ता की सहमति से कोई टिकट नहीं मिलती है, और जो अपनी मनमर्जी से जबरदस्ती पर प्रत्याशी थोप देती हैं, वो ऐसा प्रत्याशी निकल के आता है वो जनता में भी जो है कभी उझक्के नहीं देखता। अब ये बताओ, ये जो जाटो समाज के वाल्मीकि जी ने क्या नाम बताया? जाटो समाज नाम जाटो, सूरन सिंह बिमल। हाँ, सूरन सिंह बिमल जी हैं जाटो समाज के, इन्होंने बताया 40 साल से बसपा को वोट देते रहे और यहाँ अभी भी जो पिछले चुनाव में बीएसपी की जीत हुई और इस बार इनकी नाराजगी बीएसपी से है और ये सपा आरएलडी की बात करें। आप भी जाटो समाज के हैं, आपका क्या शुभ नाम है? तो तेजपाल है। तेजपाल जी आप क्या सोचते हो? अरे मैं सोचता हूँ ये जो खाना ये जो शासन चल रहा है ना, ये बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं तो कुछ नहीं जानता। इनके चमचे जो अधिकार देते हैं, तो ये चमचे हैं ना, कुछ सब गरीब लोगों के लिए, किसान लोगों के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं सोचती है। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ। आप किधर हो, बहन जी के साथ या
सपा एलडी के साथ जैसे ये बोल रहे हैं। ए, हम तो ये है कि जो हमारे लिए पेट के लिए देगा उसके साथ है। कौन देगा? कौन? ये सरकार है ना, हम सोच रहे कि गरीब है तो गरीब का सहारा देगी तो उसका। तीन महीने चुनाव में है ना, तो जैसे इन्होंने खुल के बोला नहीं, हम बताओ देखो आप या तो बहन जी के साथ हो या किधर हो। हम तो वैसे बहन जी के साथ हैं, साथ तो रहते हैं बहन जी के ही, पर देखते देखते हम तो ये घुमरा अब नहीं है, घुमरा हो जाते हैं। अब नहीं है बहन जी के, यूँ ही है कि वो तो अपने चमचों को दे देती है, जो कुछ देना है गरीबों के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, इसलिए नहीं। बार बहन जी के लिए वोट किया? हम तो हर एक बार बहन जी को वोट देते थे, इस बार साथ छोड़ रहे हैं। हाँ, यूँ का छोड़ दिया, यूँ का सुनता ही नहीं है कोई। अब ये दो जाट समाज के लोग थे, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग जो यहाँ थे, तो ये आप इस तरह से लोगों को यहाँ सुन रहे हैं, और ये खास तौर से इसलिए क्योंकि मथुरा है, और क्योंकि मथुरा में मंदिर की बात की है केशव मौर्य ने और बीजेपी के बहुत सारे नेताओं और सांसद ने। पीछे लोग बहुत लोग बीड़ी और ये चल रहा है, तो ये बताओ गांव में ये विकास हुआ नहीं कुछ, तो ये कोई विधायक जो यहां के हैं सब ऐसे ही चुन के जाते हैं, कभी आते नहीं? कोई ना आवे, जहाँ कहीं ना आए, कभी जहाँ कहीं ना आए, कभी जहाँ कहीं ना आए, हटे आवे ही ना आए। झूठ बोला जी, एक महीना पाप छूं, पांच वर्ष पूरी पांच साल में पाप पुजवाऊं। आपने का कितने गड्ढे हो रहे हैं यहाँ से वहाँ तक आए, आप कितने गड्ढे हो रहे हैं ये ब्राह्मण किसानों के? मंदिर तो हमारे वृंदावन में मथुरा में प्राचीन मंदिर है भगवान कृष्ण का, और ये भ्रांति फैलाना चाहते हैं समाज में कि हिंदू मुस्लिम और छोटे वर्ग जो जो हैं आपस में लड़के मर जाएं, वोट होंगे हमको मिल जाएं। अब की बार हम इनको वोट नहीं देंगे, हम अपने आरएलडी और आरएलडी को वोट देंगे। अपने किसको वोट दोगे वो? चलो आरएलडी को देंगे। आप लोग कोई जरूरत ही नहीं है मंदिर बनवाने के। हमारे युवा भाई बहुत नौकरियों के लिए घूम रहे हैं, जब पेट भूखा है तो मंदिर से क्या होगा, घंटी हिलाने से क्या होगा? और इधर गायों का बहुत बड़ा आतंक, नील गायों का बहुत बड़ा आतंक, और गुंडा चोरों का बहुत बड़ा आतंक। हम कैसे यहाँ जीवन व्यापन करें? सारी गरीब लोग हैं, दिए भी नहीं मिला, यूरिया नहीं मिला, हमारे किसान भाई, जाटा भाई, मुस्लिम भाई सब परेशान हैं। हमें मंदिर से कोई मतलब वाली बात नहीं है। हम तो एक मिनट का कर रहे हैं ओगो भाई? हेमा मालिनी भाई का कर दियो? कुछ जताई नहीं, कायदे जीती, बिना वोट के जीती। आप बताओ, दो बार जीती है यहाँ से मथुरा से? नहीं, आप बताइए किस चीज जीती है? वोट से जीती। हम लोकदल को छोड़ के हेमा मालिनी में दूसरे क्यों दूसरे? हम इसलिए तो कि हमारा विकास हो, गांव का विकास भी हो, इसलिए तो। आप बताइए कि मतलब योगी और मोदी करके आ रहे हैं, है? 100 रुपए तो कम थी, डीजल बेच दिया, फिर सस्ता कर दिया, चुनाव आ गए इसलिए डीजल सस्ता कर दिया उन्होंने। आप बताइए डीजल किस लिए सस्ता किया? क्या हमारे राशन क्यों बांट रहे हैं? फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। देवेंद्र जी, लेकिन अब तो केशव मौर्य ने कहा मथुरा में मंदिर बनवाएंगे कृष्ण का। अरे वो मंदिर का चले, वो सारे सब जनता खा रहे हैं, का हम डर लगा फांसी पे चढ़ा दे, जेल में ना मंदिर चाहिए ना? क्या चाहिए का? अब यहाँ कुछ लोग बैठ गए आके पीछे, तो है अब ये जी, तो आप ये बताओ कि मथुरा में चूंकि श्री कृष्ण की जन्मभूमि के तौर पर मथुरा को माना जाता है, वहाँ जन्मभूमि मंदिर है, लोग वृंदावन माना जाता है, हजारों लाखों लोग आते हैं। अगर बीजेपी ने कहा कि हम मंदिर सौदा किसान की जरूरत के सौदा सब महंगे महंगे मिल रहे हैं, किसानों कैसे जीवे? खाते की जरूरत पड़ी, जब खाते को का रेट भयो 1800 रुपया में कट्टा मिल रहा है, 1800 रुपया में कट्टा मिल रहा है। और ना मंदिर को कहा करेंगे, यहाँ मथुरा में इतनी शांति है, ना कोई मुसलमान है ना कोई हिंदू, सब भाई आपसे भी भाईचारे में मिलकर रह रहे हैं। अब ये आग लगाना चाहते हैं, ये तो चाह रहे आग लगी, इनके लिए ये इतना भारी पड़ेगा कि ना दबकने के लिए ठोर नहीं मिलेगी।
इन्हें दो किलो की ठो नहीं मिलेगी, इनकी बात को जान गए। बीजेपी की सरकार में इतनी मारा मारी भैया यूरिया की डीएपी की, किसान की सुन कौन रहो है? किसान देखो बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के और कोऑपरेटिव के अध्यक्ष बीजेपी के और सांसद जी बीजेपी के और प्रमुख बीजेपी को, लेकिन किसान की कावनी जो ना सुनी क्या? आज वो हमारे बाजार में बनिया 300 रुपये का कट्टा बेच रहे हैं यूरिया का, और उसके साथ दो पाउच देते हैं 100-100 रुपये के, ले जाना है तो ले जाओ नहीं मत ले जाओ। आज भी किसी सोसाइटी में खात नहीं है, यह हालत है इस बीजेपी की। अब किसान इनको वोट कैसे दे देगा? लेकिन बीजेपी तो कह रही है किसान बहुत खुशहाल है, किसानों के लिए बहुत कुछ। किसान तो खुशहाल हो गया क्योंकि 100 रुपये लीटर डीजल और आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, 1700 रुपये का कट्टा डीएपी का, पहले 550 रुपये का डीएपी कट्टा आता था, आज कट्टा डीएपी का 1200 रुपये के कंट्रोल रेट से और ब्लैक में बिक रहा है 1600 का, 1700 का, 1500 का, और मिल भी नहीं रहा है क्योंकि इन्हें तो ब्लैक करा दिया। ये तो पूंजीपति की सरकार है, पूंजीपति के ही गुण गाएंगे, किसान को ये नहीं देखेंगे कभी। क्या बोल दिख रहा है इन्हें कि जैसे हम जर्सी पहन रहे हैं वो नंगे डोले नाम, तो हम जब किसान दिखेंगे? हम किसान नहीं दिख रहे, इन्हें तो हम टाटा बिल्ला दिख रहे हैं। ये चाहते हैं कि किसान बिल्कुल नंगा रहे, वो किसान है, और जो कपड़ा पहन ले वो किसान नहीं है, और जो कपड़ा पहन रहा है वो खुशहाल है। क्या ये जीतेगा दूध दे रही है? पूंजीपतियाँ दे रही है, किसान है काई देगी? ये सरकार तो पूंजीपति ने की है ना। चलिए बहरहाल, तो ये अलग अलग लोगों की राय, और इसलिए मैं मथुरा में आ जाया माट विधानसभा क्षेत्र में, जो और ऐसे ही मैं गांव में अलग अलग इलाकों में मैं जाता हूं, लोगों से बात करता हूं। उसी में एक्सप्रेसवे से मैं मथुरा जा रहा था, तभी मथुरा का एक कट दिखा तो मैं इधर आया, फिर पूछता पाछता एक गाँव में आ गया। अब ये गाँव, हालांकि अभी यहां से बीएसपी के विधायक 2017 में जीते, 12 में भी बीएसपी जीती जयंत चौधरी के इस्तीफे के बाद, और गांव आठ बार लगातार जीते हैं बीएसपी के विधायक, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि क्षेत्र की जनता कितनी परेशान है कितनी नहीं है। मजदूर परेशान है, अभी ये भाजपा सरकार ने भी गैस सिलेंडर पर जैसे फ्री कनेक्शन दिए, बिजली फ्री कनेक्शन दिए, खासकर मैं मजदूर तबके से आता हूँ, मुझे पता है घर की गृहिणी को क्या चाहिए, जो रसोई का सामान चाहिए सब कुछ महंगाई है, चरम सीमा पर है। सिलेंडर को फ्री बांट के नहीं है, उसका 1080 का दाम है, और उधर में कोई भी किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ ले लो, खाद्य पदार्थ दिन पर दिन महंगे होते चले जा रहे हैं। आज जनता त्राय कर रही है, लेकिन कोई बीजेपी का सांसद मुड़ के देखता नहीं, कोई विधायक मुड़ के देखता नहीं, कोई मुख्यमंत्री मुड़ के नहीं देखता। हेमा मालिनी जी कभी जिंदगी में नहीं आई, एक बार जीतने के बाद में हेमा मालिनी ने फिर भी उझक के नहीं देखा किसी भी गाँव में, उन्होंने दर्शन भी नहीं दिया कि मतलब यह ब्रजभूमि में यह गांव आता है ब्रजभूमि में, इन्होंने कभी भी नहीं आया है। अब प्रचार करने के लिए तो वोट मांगने के लिए तो पैर भी पड़ती हैं वो। नहीं, आप बताइए, एक शब्द, ये सरकार जो है हिंदुत्व के नाम पे ये गुमराह कर रही है, और हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर के और हिंदू शब्द का नाम लेकर के हमारी जनता को यानी बांटना चाहती है, और जनता जनता बटने वाली नहीं है। किसान समझ चुका है, मजदूर समझ चुका है, नौजवान समझ चुका है, ये हर स्तर पर ये सरकार फेल हो चुकी है, और कोई भी इसके सरकार के गुमराह में आने वाला नहीं है। चलिए बहरहाल, तो इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। गांव का नाम फिर से भूल गया मैं, गांव का पारसोली गांव से मथुरा जिले से माट विधानसभा क्षेत्र से, और आपने सुना गांव के लोगों के लिए विकास बड़ा मुद्दा है, शिक्षा में सुधार हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, और इन सब से ऊपर रोजगार हो, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों पर लगातार प्रचार के जरिए, विज्ञापनों के जरिए अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीट रही यूपी सरकार, योगी सरकार ने अचानक एक नया एजेंडा फेंका है, और उप मुख्यमंत्री ने एक नया माहौल बनाने की कोशिश की है, वो है मथुरा में मंदिर का माहौल। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी गाँव से, और चलिए नमस्कार।